दोस्तों फाइनली लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड जो है वो आउट हो चुके हैं और जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं इस बार, इसमें से समझ लो कि एक दो लोग तो भाई बार बार नॉमिनेट हो रहे हैं और एक तो सदा बार नॉमिनेटेड ही हैं खुद बिग बॉस द्वारा। चलिए एक नाम तो बता ही देते हैं, अनुराग डोभाल, जो कि खुद बिग बॉस द्वारा ही नॉमिनेटेड है पूरे सीजन के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो भी लोग नॉमिनेट हुए हैं उनके लिए भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है इस बार, बिकॉज जितने भी लोग नॉमिनेशंस में आए इनके लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो आखिर कौन कौन है नॉमिनेशंस में और किसको इस समय सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं और कौन इस समय वोटिंग ट्रेंड पे नंबर वन पे चल रहा है और कौन है जो सबसे नीचे चल रहा है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांतू। आपको बता दें कि इस बार का जो बिग बॉस है वो क्लियरली, बिग बॉस ने एक बात कही थी कि मैं इस साल बायस्ड हूं, लेकिन जिस तरीके का अभी फिलहाल गेम नजर आ रहा है, बायस्डनेस दिखने के बाद भी लोग बिग बॉस पर सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं ये कहते हुए कि भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल और जो भी चीज़ें हो, मतलब जिस तरीके से आप ये सारी चीज़ें दिखा रहे हो या करवा रहे हो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। खास करके मनारा खानजादी वाला जो अप्रोच था वो एक हो गया, विक्की मुनव्वर वाला जो पॉइंट था वो एक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग नज़र आ रही हैं। फिलहाल अगर बात करो नॉमिनेशन में कौन कौन है तो अंकिता लोखंडे, नील भट्ट, मनारा चोपड़ा, अनुराग डोभाल, अरुण शेट्टी, अरुणमा शेट्टी, रिंकू धवन, विक्की जैन और खानजादी, यानी कि टोटल 8 लोग नॉमिनेशन में हैं। और उसके बाद अगर बात करें कौन किस ऑर्डर में समय स्टैंड कर रहा है तो दोस्तों सबसे नीचे अगर किसी को वोट्स मिल रहे हैं तो वो नाम है रिंकू धवन का, उसके बाद आ रहे हैं अरुण मशेट्टी, उसके बाद है खानजादी, खानजादी के ऊपर है मनारा चोपड़ा, मनारा चोपड़ा के ऊपर नाम आ रहा है विक्की जैन का, विक्की जैन के ऊपर नाम आ रहा है नील भट्ट का, नील भट्ट के ऊपर नाम आ रहा है अनुराग डोभाल का, और अनुराग डोभाल के ऊपर नाम आ रहा है अंकिता लोखंडे का। यानी कि इस लिस्ट को क्लियरली अंकिता लोखंडे जो है वो डोमिनेट कर रही हैं और नंबर वन पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन सबसे बॉटम पे रिंकू धवन है। तो क्या ये प्लानिंग थी बिग बॉस की कि भाई दोनों ही खास दोस्तों को एक ही साथ बिग बॉस के घर के बाहर भेजना है, जैसे कि जिग्ना और रिंकू जी। जिग्ना जी ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं बिग बॉस के घर में और अब रिंकू पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है बिग बॉस के घर से बाहर होने का। जिग्ना जी ने अभी तक बताया है कि भाई उनको गेम समझ में आ रहा है, लेकिन खुलकर कभी बेबाकी से खेली नहीं है अभी तक बिग बॉस के घर में, जिसकी उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा की जा सकती हैं। लेकिन हो सकता है कि अब नॉमिनेशंस में तो थोड़ा सा खुलें और हो सकता है कि बेमतलब के भी कुछ फाइट्स हो जाएं उनके। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, ये वोटिंग टाइम पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।